जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चाहे आप स्टैटिकल एनालिसिस का पेपर देंगे, एडवांस बिजनेस स्टैटिक्स, एडवांस स्टैटिकल एनालिसिस, तीनों सब्जेक्ट में ये आपको मिलेगा। तो चैप्टर का नाम है सार्थकता परीक्षण बड़े न्यायदर्श। चैप्टर का नाम सबसे पहले सार्थकता परीक्षण, इसे बोलते हैं बड़े न्यायदर्श। देखो, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो पूरी वीडियो को देखना होगा, कॉपी में लिखना होगा। अच्छे से नहीं पढ़ना है तो आपकी मर्जी है। इसमें कहा गया है बड़े न्यायदर्श के लिए दो प्रकार के, बड़े न्यायदर्श के लिए दो प्रकार के सार्थकता परीक्षण किए जाते हैं। दो प्रकार से सार्थकता परीक्षण किए जाते हैं। पहला है चरों के निर्दर्शन के लिए, चरों के निर्दर्शन के लिए। अगला है गुणों के निदर्शन के लिए। और हमारा कहना मानिएगा तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ लेना है, क्योंकि निदर्शन का मतलब, चर का मतलब, सब कुछ वहाँ बेहतर तरीके से शुरुआत में दिया रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है चरों के लिए, चरों के लिए, चरों के लिए सार्थकता परीक्षण, चरों के लिए निदर्शन। निदर्शन को बोलते हैं सैंपल, याद रखिएगा, वेरिएबल सैंपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंपल निदर्शन को बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा गया है समग्र या प्रायिकता वितरण। समग्र का मतलब क्या होता है? आंकड़ा जो आपके सामने दिया गया है, डाटा जो आपके सामने दिया गया है, जिसका आमाप आकार, जिसका आमाप आकार, आमाप आकार यन बहुत बड़ा हो, जिसका आमाप आकार क्या हो? बहुत बड़ा हो, ठीक है, अनंत हो, या प्रायिकता वितरण, या प्रायिकता वितरण बताया गया है से आमाप यन का एक न्यायदर्श लिया जाता है। से आमाप यन का एक न्यायदर्श लिया जाता है। समझिएगा, समग्र, समग्र का मतलब डाटा होता है, आंकड़ा होता है, ठीक है। आंकड़ा का मतलब, जैसे आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं, तो 2000 बच्चे क्या हुए? एक आंकड़ा है, ठीक है, जिसका आमाप आकार बहुत बड़ा हो, अनंत हो, ठीक है। या प्रायिकता वितरण से आमापयन का एक न्यायदर्श लिया जाता है। न्यायदर्श का मतलब क्या होता है, समझिएगा, ये सारी चीज़ें शुरुआती समय में पढ़ाई जाती हैं, जब थ्योरी पढ़ाई जाती है। ये क्या है? आंकड़ा है, ठीक है, रखा गया है। एक बोरा चावल है, एक बोरे चावल में से एक मुट्ठी निकाल लेना, एक मुट्ठी निकाल लेना, ठीक है, अनंत है। चावल गिन सकता है कोई व्यक्ति, गेहूं गिन सकता है कोई व्यक्ति, गिन तो सकता ही है, लेकिन बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। उसमें से एक मुट्ठी निकाल लिया जाता है जो, उसे बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे समग्र, समग्र बोलेंगे मतलब आंकड़ा, इसको बोलेंगे न्यायदर्श, ठीक है। इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा,
ठीक है। आगे चलिए, इसमें बताया गया है माना, समग्र का माध्य बराबर एक्स बार, समग्र का माध्य बराबर एक्स बार, समग्र का प्रमाप विचलन, समग्र का प्रमाप विचलन बराबर, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रमाप विचलन का फॉर्मूला ऐसे होता है एस डी एक्स, समा एस डी एक्स का मतलब प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। उसके बाद एक्स बार का मतलब इसमें दिया गया है न्यादर्श का माध्य, मतलब ये भी माध्य निकाला जाता है समग्र का भी, न्यादर्श का माध्य, समझिएगा समग्र का मतलब होता है पूरी इकाई, समझिएगा पूरी इकाई, पूरी यूनिट, एक बोरा गेहूं है तो एक बोरा गेहूं पूरा समग्र होगा, ठीक है, एक बोरा गेहूं पूरा समग्र होगा। अगर उनमें से जो निकाल लिया गया एक मुट्ठी, उसे हम न्यादर्श बोलते हैं, उसको सैंपल बोलते हैं, अभी मैंने बताया आपको। उसके बाद एच डी एस बोला गया है, या यस इक्वल टू न्यादर्श का प्रमाप विचलन, समझिएगा समग्र किसे कहते हैं, एक बोरा गेहूं ना, ध्यान दीजिए हमारी बात, एक बोरा गेहूं, आपके घर के सामने पेड़ होगा, पेड़ में बहुत सारी पत्तियां लगी होंगी, आप चावल खरीदने जाते होंगे, दाल खरीदने जाते होंगे ना, तो आप समझिएगा समग्र का मतलब होता है पूरे आंकड़े, आपके कॉलेज में 2000 बच्चे पढ़ते होंगे, 200000 बच्चे पढ़ते होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है समग्र। अब मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ न्यादर्श का मतलब क्या होता है, एक बोरे गेहूँ में से जब गेहूँ खरीदने जाते हैं तो एक मुट्ठी निकालते हैं, छोटा सा भाग उसमें चेक कर लेते हैं, सही है कि नहीं सही है, मोटा वाला चावल है कि पतला वाला चावल है कि बासमती वाला चावल है, जो भी होता होगा अपना, सही है कि नहीं। अब क्या है, इसका माध्य निकाल, इसका समग्र का माध्य अलग निकालना है, समग्र का प्रमाप विचलन अलग निकालना है, न्यादर्श का माध्य अलग निकालना है और न्यादर्श का प्रमाप विचलन अलग निकालना है, ठीक है। आपको इसमें निकालना पड़ेगा न्यादर्श माध्य एक्स बार, न्यादर्श माध्य एक्स बार का प्रमाप विवरण। देखो न्यादर्श का अलग प्रमाप विवरण विवरण निकालना है आपको, ऐसे निकालना पड़ेगा एस डी एक्स बार इक्वल टू एच डी एक्स अपान, एक्स बार अलग होता है, एक्स बार का मतलब समांतर माध्य, एच डी एक्स का मतलब होता है पद, ठीक है। उसके बाद लिखना है रूट के अंदर एन, इसको बोलते हैं न्यादर्श माध्य एक्स बार का प्रमाप विवरण। उसके बाद है एच डी एक्स अज्ञात हो तो क्या होगा, एच डी एक्स मतलब प्रमाप विचलन, अज्ञात हो तो क्या होगा, अज्ञात हो तो क्या होगा, एच डी एक्स जब अज्ञात रहेगा तो एच डी एक्स बार बराबर यस अपान रूट के अंदर एन, ठीक है, या यस रूट के अंदर एन माइनस वन, इसको लिख लीजिए, ठीक है। कहा गया है चरों की साधारकता परीक्षण, परिकल्पना परीक्षण के चरण, मतलब परीक्षण के चरण कैसे होंगे, चरण मतलब कि कैसे स्टेप में निकाला जाएगा। आगे आपको लिखना है चरों में साधारकता परीक्षण, परिकल्पना परीक्षण के चरण, परिकल्पना
परीक्षण, सार्थकता, परीक्षण के चरण। परिकल्पना परीक्षण और सार्थकता परीक्षण दोनों एक ही है, चरण लिख लीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कहा गया है न्यादर्श के माप, न्यादर्श के माप, जैसे माध्य, माध्य ज्ञात किया जाएगा, प्रसरण ज्ञात किया जाएगा, उसके बाद प्राचल अज्ञात हो तो उनको अनुमानित किया जाएगा। प्राचल अगर अज्ञात होगा तो अनुमानित किया जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर है अवलोकित मूल्यों की तुलना समग्र के मापों से की जाएगी। अवलोकित मूल्यों की तुलना समग्र के मापों से की जाएगी, ठीक है। अवलोकित मूल्य की तुलना समग्र के माप से की जाएगी। दो न्यादर्शों की स्थिति में उनके मानों की तुलना की जाती है। जब दो न्यादर्श दिए हों, न्यादर्श दिए हों, तुलना की जाएगी मापों से, ठीक है। तीसरा, शून्य परिकल्पना तथा वैकल्पिक परिकल्पना लिखी जाती है। शून्य परिकल्पना तथा वैकल्पिक परिकल्पना लिखी जाती है। शून्य परिकल्पना लिखी जाती है तथा वैकल्पिक परिकल्पना लिखी जाती है। आगे कहा गया है शून्य परिकल्पना के आधार पर, शून्य परिकल्पना के आधार पर, शून्य परिकल्पना के आधार पर परीक्षण प्रतिदर्शन की गणना की जाती है। परीक्षण प्रतिदर्शन की गणना की जाती है। चौथा नंबर, निष्कर्ष निकाला जाता है। उसके बाद अंतर सार्थक है या नहीं, इस पर विचार किया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख लीजिए पहले। उसके बाद काफ़ी चीज़ें की गई हैं। कहा गया है प्रमाप विभ्रम तीन गुणों से अधिक हो तो अंतर सार्थक माना जाता है, शून्य परिकल्पना अस्वीकार कर दी जाती है। पहले इतना लिखो, लिख दे रहे हैं सब, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो क्वेश्चन सॉल्व करते समय। लिखना है अंतर सार्थक हैं, अंतर सार्थक हैं या नहीं, सार्थक हैं या नहीं, अंतर सार्थक हैं या नहीं, अर्थात अंतर निदर्शन उच्चावचन के कारण किसी अन्य कारण से, निदर्शन उच्चावचन या अन्य कारण से अंतर सार्थक हैं या नहीं। उसके बाद कहा गया है इसके लिए प्रायः निम्न तीन में से एक पर विचार किया जाता है, वो आगे लिखेंगे, इसको पहले लिख लेना आप।
आपको ध्यान देना है, कहा गया है इसके लिए निम्न तीन में से एक पर विचार किया जाता है। परीक्षण प्रतिदर्शज की क्रांतिमान से तुलना की जाती है, परीक्षण प्रतिदर्शज से क्रांति मान की तुलना की जाती है। परीक्षण प्रतिदर्शज से क्रांतिमान की तुलना की जाती है। उसके बाद कहा गया है सैद्धांतिक मान, वह सैद्धांतिक मान जो विश्वासता स्तर पर निर्भर करता है, वह सैद्धांतिक मान जो विश्वास पर निर्भर करता है, निर्भर करता है विश्वास पर, क्या करता है निर्भर करता है, जिससे परिकलित साधारकता अनुदान की तुलना की जाती है, जिससे परिकलित अनुदान की तुलना की जाती है। ठीक है, कहा गया है क्रांतिमान कहलाता है। क्रांतिमान क्या कहलाएगा, यही क्रांतिमान कहलाएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, कहलाता है केवल अभी थ्योरी। देखो जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको लगेगा यार बहुत कठिन लग रहा है, क्या झंझट है, पेपर दे दो आसान है, पेपर दे के वो नंबर चाहे जितना पा जाओ वो आसान है वो सब चीज़। ठीक है, यदि परीक्षण का प्रतिदर्शज मान का, यदि परीक्षण प्रतिदर्शज का परिकलित मान क्रांतिमान से कम है, परिकलित मान जो है क्रांतिमान से कम है, ठीक है, तो अंतर सार्थक नहीं है, समझिएगा, शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है। ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को, हमारे टॉपिक्स को, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, परीक्षण प्रतिदर्शज से क्रांतिमान की तुलना की जाती है, वह सैद्धांतिक मान जो विश्वास पर निर्भर करता है, जिससे परिकलित अनुदान की तुलना की जाती है क्रांतिमान कहलाता है, परिकलित मान क्रांतिमान काल से कम है, तो अंतर सार्थक नहीं है, शूल परिकल्पना स्वीकार की जाएगी। ठीक है, आगे यदि परीक्षण प्रतिदर्शज की गणना ना करनी हो तो निम्न कसौटी का प्रयोग किया जाएगा, अंतर प्रमाप विभ्रम तीन गुणों से अधिक हो तो, ध्यान दीजिएगा गणना परीक्षण की गणना ना करनी हो, अंतर प्रमाप विभ्रम तीन गुणों से अधिक हो, अंतर प्रमाप विभ्रम तीन गुने से अधिक हो, ठीक है, अंतर सार्थक माना जाता है, सार्थक माना जाता है। उसके बाद शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है, ठीक है,
कहा गया है विश्वास अंतरार पलकरित किया जाता है, यदि प्राचल मान सीमाओं के अंतर्गत है तो अंतर सार्थक नहीं माना जाता। तो इतना पहले थ्योरेटिकल है, इतना पहले तैयार करना, सवाल हम आगे बढ़ाएं। हेलो दोस्तों, आरके मौर्या कॉमर्स क्लासेज में आपका वेलकम है। इस वीडियो में आपको लेकर आ चुके हैं सार्थकता परीक्षण, बड़े न्यायदर्श। ध्यान दीजिएगा, इलस्ट्रेशन में बताऊंगा डॉक्टर एस एम शुक्ल एसपी सहाय जी की बुक का। माध्य के लिए सार्थकता परीक्षण, इसमें कहा गया है माध्य के लिए सार्थकता परीक्षण। माध्य का मतलब समांतर माध्य, समांतर श्रेणी जिसको बोला जाता है। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए। कहा गया है न्यादर्श माध्य तथा समग्र माध्य का अंतर। आपको पता होना चाहिए न्यादर्श किसे कहते हैं तथा समग्र माध्य का अंतर। समझिएगा, न्यादर्श माध्य तथा समग्र माध्य का अंतर। ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या करना है, न्यादर्श किसे कहते हैं, याद रखना, अंग्रेजी में कहते हैं सैंपल, सैंपलिंग। समग्र किसे कहते हैं, समग्र का मतलब होता है पॉपुलेशन, डाटा, आंकड़ा, चाहे जो कहिए। समझ में आया, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया है अनुसंधान की पूरी इकाई को समग्र कहते हैं, डाटा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको रिसर्च करना है किसी कॉलेज के संबंध में, किसी गांव के संबंध में, गांव के लोगों की इनकम, शहर के लोगों की इनकम, गांव के लोगों की पढ़ाई लिखाई, शहर के लोगों की पढ़ाई लिखाई के संबंध में, ना? तो पूरे लोग जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, समग्र, पॉपुलेशन या डाटा या आंकड़ा। उनमें से कुछ लोगों को जिनको चुना जाता है उनको क्या बोलते हैं, सैंपल, उनको क्या बोलते हैं, न्यादर्श। इतना तो समझ में आ गया होगा। फार्मूला होता है इन दोनों में अंतर, न्यादर्श का एक्स बार, न्यादर्श का माध्य क्या होगा, एक्स बार, समग्र का माध्य होता है म्यू, जो ये बनाया जाएगा म्यू। समझिएगा, एक्स बार में से म्यू का मतलब होता है समग्र का माध्य, न्यादर्श का मतलब होता है समांतर माध्य, माध्य किस चीज़ का, न्यादर्श का माध्य। न्यादर्श का मतलब क्या बोल दिया, एक बोरे गेहूं में से एक मुट्ठी निकालना न्यादर्श कहलाता है, सैंपल कहलाता है। पूरे बोरे का गेहूं क्या कहलाता है, समग्र कहलाता है, डाटा यानी कि पॉपुलेशन कहलाता है। आप उनको अब आगे थोड़ा ध्यान देना है, आप उनको आगे क्या ध्यान देना है, कहा गया है न्यादर्श माध्य की प्रमा विवरण, न्यादर्श माध्य की प्रमा विवरण। ध्यान दीजिएगा, ये होता है एचडी, एचडी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब प्रमाप विचलन, रूट के अंदर नीचे लिख दीजिएगा एन, या इसके स्थान पे एस, एस का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, एन माइनस वन, ठीक है। आपको आगे लिखना है, यदि याद रखना है न्यादर्श का प्रमा विवरण, ये हमारा फॉर्मूला होगा एच डी अपान एन, ठीक है। यदि ये ज्ञात हो, एच डी ज्ञात हो, अज्ञात हो तो ये फार्मूला लगा देंगे, एच डी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, अज्ञात हो तो ये फार्मूला लगा देंगे। उसके बाद देखो कहा गया है परीक्षण, उसके बाद बताया गया है परीक्षण प्रतिदर्शज या सार्थकता अनुपात, परीक्षण प्रतिदर्शज या सार्थकता
अनुपात, इसका फॉर्मूला क्या होता है? जेड इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपान एच डी अपान रूट के अंदर एन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। आगे एक फार्मूला और दिया है, विश्वासीयता अंतराल, विश्वासीयता अंतराल बराबर एक्स बार माइनस थ्री म्यू अप थ्री एच डी, एच डी मतलब प्रमाप विचलन, रूट के अंदर एन, उसके बाद बड़े की ओर, सॉरी यार इसमें गलत हो रहा है, म्यू एक्स बार प्लस माइनस एच डी अपॉन रूट के अंदर ये, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में सबसे पहले सूत्र लिखिए, उसके बाद सवाल हम बता रहे हैं। आपको आगे क्या करना है, प्रश्न हमारे सामने है, पहले प्रश्न लिख देते हैं। आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, छोटा छोटा है। 100 इकाइयों के एक प्रतिदर्श का माध्य 5 पाउंड है। ध्यान दीजिएगा, 100 इकाइयों की एक प्रतिदर्श का माध्य 5 पाउंड है। 5 कितना पाउंड है? 5 पाउंड है, ठीक है। 100 इकाइयों के एक प्रतिदर्श का माध्य, प्रतिदर्श का माध्य 5 पाउंड है, मतलब कि पूरी 100 इकाइयों का माध्य कितना है? 5 पाउंड है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद कहा है क्वेश्चन में, क्या यह प्रतिदर्श उस अपरिमित समग्र से लिया गया है जिसका माध्य 5.64 पाउंड, प्रमाप विचलन 1.5 पाउंड है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, माध्य का प्रमाप विवरण सबसे पहले निकाल लीजिए, क्योंकि देखो माध्य का प्रमाप विवरण फॉर्मूला क्या होता है? एच डी अपान स्टैंडर्ड डेविएशन अपान रूट के अंदर एन। एच डी हमारा क्या है? एच डी हमारा जो दिया गया है क्वेश्चन में 1.5 है, और रूट के अंदर एन कितना है? एन हमारा 100 दिया गया है ना, इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर 10 आएगा, 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.15। क्या आ गया? माध्य का प्रमाप विवरण 0.15 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद क्या करना है आपको? अंतर निकालना है। अंतर किस चीज़ का? समग्र तथा समग्र तथा न्यादर्श के मध्य अंतर, समग्र तथा न्यादर्श के मध्य अंतर। ध्यान दीजिएगा, समग्र का माध्य कितना है? 5.64 माइनस 5.64 माइनस, और प्रतिदर्श का 5। समग्र का मतलब पूरे का, न्यादर्श का मतलब होता है जो सैंपल लिया गया है, तो क्या बचेगा? 0.64 आपका बच जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या कहा है? माध्य की प्रमाप विवरण का 3 गुना, माध्य की प्रमाप विवरण का 3 गुना, ठीक है, 3 गुना। माध्य की प्रमाप विवरण का 3 गुना ले लीजिए। कैसे ले लेंगे? देखो यहाँ क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा है, नियम जब लिखवाया था, यदि अंतर प्रमाप विवरण के 3 गुने से अधिक हो, 3 गुना निकालो, 3.3 गुणे 0.15, 5 3 15, 0.45
आ गया। तीन गुण देखो निकाल रहे हैं, इतना आ रहा है 3 × 0.45। तो आपको लिखना है अंतर प्रमाप विभ्रम के 3 गुने से अधिक है, ठीक है। तो न्यादर्श इस अपरिमित समग्र से नहीं लिया गया है, न्यादर्श इस अपरिमित समग्र से नहीं लिया गया है। कैसे पता लगा, समझिएगा हमारी बात को। देखो हमको माध्य का प्रमाप विभ्रम चाहिए, माध्य का प्रमाप विभ्रम का सूत्र होता है HD/N। HD का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेट कर लेंगे आ जाएगा इतना। समग्र तथा न्यादर्श के माध्य में अंतर, समग्र का जो माध्य है देखो ये है, समग्र का माध्य है 5.64 और न्यादर्श का माध्य जो है 5 है, ठीक है। तो क्या बचेगा, 0.64 हमारा बचेगा। अब क्या होगा, ये हमारा किसका है, समग्र तथा माध्य के बीच अंतर 0.64 है। माध्य की प्रमाप विभ्रम की 3 गुना कर दो, इसका 3 गुना कर दो, 3 गुना कर देंगे 0.45। मतलब ये चीज़ माध्य के से 0.64 मतलब 3 गुने से अधिक है, अधिक है तो क्या कहा जाएगा, तो न्यादर्श इस अपरिमित समग्र से नहीं लिया गया है। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसके बाद सेकंड आपको बता रहे हैं। आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं माध्य दिया है, प्रमाप विचलन दिया है, एन दिया है, 27% साधारकता स्तर पर समग्र माध्य की सीमाओं का आकलन कीजिए। तो सबसे पहले माध्य का प्रमाप विभ्रम निकाल लो, माध्य का प्रमाप विभ्रम निकाल लो। माध्य का प्रमाप विभ्रम स्टैंडर्ड डेविएशन अपान रूट के अंदर एन, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना है ध्यान दीजिएगा 12, रूट के अंदर एन 64, कितना आएगा 12, 8 आएगा, 12 में 8 से भाग दे देंगे 1.5 आ जाएगा, कितना 1.5 आ जाएगा। 0% साधारकता स्तर पर समग्र माध्य की सीमाएं 0.27 स्तर पर, ध्यान दीजिएगा मीन हमारा कितना दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 172, प्लस माइनस 3 गुना करिए भाई, इसका 3 गुना कर दो 172, 3 गुना करिए प्लस माइनस करके, ये माइनस होगा 15 × 42, 4.5, 167.5 हमारा बचेगा, क्या मीन हमारा बचेगा, समझिएगा। इस समांतर माध्य और इसका अंतर निकाला जाता है, अंतर। अगले का देखिए, अर्थात 167.5 से 176.5, मतलब इसको जोड़ोगे अगर तो 176 आ जाएगा, चाहे जो एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, तो दोनों में अंतर इतने से इतने तक के बीच में क्या आ जाएगा, आकलन, समग्र माध्य की सीमाओं का आकलन कर लिया जाएगा। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए।